तो दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यस भाई आप सबको नहीं पता है तो यार बता देता हूँ, इस साल के स्टार्टिंग में बोला जाए ना अप्रैल मई के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ बात करा था यार आप सबसे इम्यूलेटर्स के बारे में, मतलब टॉप एंड्रॉयड इम्यूलेटर्स यार बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो एक चॉइस करना हमेशा से यार वेरी रहता है। तो उस समय जब मैंने साल के स्टार्टिंग में बताया था तब बहुत लिमिटेड थे, और अब जिस सिचुएशन में हम आ चुके हैं ना वहाँ भरपूर हो गए हैं। तो उस टाइम पर यार वीडियो बनाई आप सबको काफ़ी पसंद भी आई थी, काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। तो एंड्रॉयड इम्यूलेटर हमेशा से यार एक नीड रहा है, तो आज यार उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज़ को। और 2022, क्योंकि अब यार इस साल के तो कुछ ही दिन बचे, 2022 में कौन से इम्यूलेटर आपको इस्तेमाल आप कर सकते हो जिनके फ्यूचर भी है, क्योंकि अब तो आप जानते हो यार विंडोज 10 विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप आ रहा है, तो क्या इम्यूलेटर का क्या रहने वाला है, वो सब भी चीज़ें पे आज बात होगी। और आपको टॉप 3 जो मैं प्रेफरेबल रखता हूँ और हमेशा से यूज़ भी करता है उन इम्यूलेटर्स के बारे में बताने वाला। तो टोटली आज क्या होने वाला है, मज़ा तगड़ा आने वाला है, तो मतलब उछाल देंगे किसी को यार, खींच लेंगे मतलब तगड़े वाला, ठीक है। बाकी स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो भाई एक चीज़ समझ लेते हैं, एंड्रॉयड इम्यूलेटर भाई गेम चलाने के लिए और ऐप्स चलाने के लिए बहुत साल से मशहूर है। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं जब स्टार्टिंग पीसी जब मेरे पास आया था, बहुत बोलूँ तो 5-7 साल पहले शायद से, हाँ इतना ही हो गया होगा टाइम, 6 मान सकते हो। तो इस टाइम पे यार इम्यूलेटर्स, तब इम्यूलेटर्स ही चलते थे, अब तो विंडोज़ में दूर दूर तक एंड्रॉयड ऐप चलाना था तो इम्यूलेटर ही आते थे। और उस टाइम पे यार ब्लू स्टैक था सबसे फेमस, और वो भाई बड़ा बदनाम था रैम खाने के हिसाब से, इवन आपने भी शायद यूज़ करा होगा उसको अर्ली स्टेज में, जब ब्लू स्टैक 4 वर्जन शायद ये सब वर्जन थे ना इसके ओल्डर वाले, बड़ा रैम खाते थे भाई, आदमी परेशान हो जाए कौन उठा रहा रैम, बाद में पता चले तो ब्लू स्टैक पीछे से हाथ मार के बताता था। तो ये सब चीज़ें थी ब्लू स्टैक के साथ हमेशा से रही थी, पर अब बहुत कुछ बदल चुका। मतलब यार साल के स्टार्टिंग में इतने इम्यूलेटर्स का कुछ भड़का हुआ रूप नहीं था, पर जो अब आ चुका है, बाकी उस पर तो बात हो ही जाएगी। अच्छा देखो, काफी लोग यार ये चीज सोच रहे हैं कि इम्यूलेटर्स का यार फ्यूचर नहीं है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है ना, एंड्रॉयड इम्यूलेटर्स का फ्यूचर अभी है और कुछ साल और रहेगा, मतलब आप 1-2 साल तो आराम से मान सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज देखो यार, जो विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप है या फिर विंडोज 10 में भी आ जाएगा फ्यूचर में, तो ये जो एंड्रॉयड ऐप है ना ये सबको नहीं मिलेगा। मतलब जिन भाइयों के पास 6GB 4GB रैम वाला कंप्यूटर है उनके लिए अभी एंड्रॉयड, क्या पता फ्यूचर में कर दे यार विंडोज वाले, कुछ पता नहीं है, पर अभी के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8GB रैम आपको मिनिमम चाहिए। तो एक तरीके से जिनके पास 4 से 6GB रैम है उनके लिए तो भाई इम्यूलेटर अभी भी आज के टाइम में बेस्ट ही रहेगा, फ्यूचर में भी। इवन 8GB के बाद भी कुछ चीज़ें अभी दिक्कत ही है, और ये दिक्कतों को फिक्स होते होते अभी भी यार 4 से 5 महीने लगेंगे। तो यार थोड़ा आप सोच सकते हो, वेट किसे यार मंजूर है, तो थोड़ा आप यार अभी इस सब चीज़ों से इंजॉय कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और भी, यार इम्यूलेटर्स ने अपने आपको काफ़ी बदल लिया है और यहाँ पे बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, तो वो स्टेप भी हम देखने वाले हैं। बाकी शुरू करते हैं, कौन से टॉप 3 इम्यूलेटर्स है उस पर अब बात कर लेता हूँ। तो पहला नंबर तो यार हमेशा से हम सबका प्रिय है, यस यार ब्लू स्टैक 5 के बारे में बोलूंगा। देखो 4 तो यार मैं बहुत बदनाम आपको बता चुका हूँ, इवन मैं कभी प्रेफर नहीं करूँ, ओल्डर वर्जन इतने अच्छे नहीं थे, पर ब्लू स्टैक 5 में क्या गंद लेवल का इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन ये सब करी है। इवन आपके पीसी में कम रैम भी है ना ये कम उठाता है और सेटिंग्स आपको हायर प्रोवाइड करता है, गेम्स वेम्स यार अच्छे क्वालिटी में चलती है, इतना टॉप क्लास तो नहीं आपको मिल पाएगा जो एकदम यार मोबाइल वाला व्यू होता है वैसा बिल्कुल नहीं है, पर हाँ इतना है कि यार लैग फ्री गेमिंग आपको मिल जाएगी अगर आपका सही से पीसी हो, इतना हैंडल कर पाएगा। हाँ अगर 4GB रैम है, डुअल कोर प्रोसेसर है आपके पास, तो आप ब्लू स्टैक तरफ एक रूबरू कर सकते हो, पर अगर आपको परफॉर्मेंस गैप दिखता है तो यार आप दूसरे इम्यूलेटर ट्राई कर सकते हो, वरना आपके लिए एंड्रॉयड OS ही सेट रहेगा। हाँ अगर आपके पास यार i5 प्रोसेसर है या फिर 4GB रैम है i5 के साथ, तो ये सब बहुत अच्छे रेंज है, इसमें आप यार ब्लू स्टैक चलाओ आराम से चलेगा, मक्खनदार स्लाइस मार। यार ब्लू स्टैक का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने क्लाउड गेमिंग में एंट्री कर लिया और क्लाउड गेमिंग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, तो ये सब चीजें देख के लगता है कि ब्लू स्टैक के साथ अगर आप कनेक्टिविटी रखोगे तो फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडरी बात करूं तो भाई LD प्लेयर में हमेशा से प्रेफर करता हूं, और भी इम्यूलेटर्स है, मीमो इम्यूलेटर्स ये सब, तो उनके कंपैरिजन में LD प्लेयर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल ज्यादा है। स्टेबल मतलब समझ रहे हो, हर इम्यूलेटर में यार स्टेबल चाहिए होता है, ताकि यार ऐसा होता है ना बहुत सारे इम्यूलेटर गेम खेल रहे हो अचानक से बंद हो जाए, तो वो सब चीजें आपको LD प्लेयर में जल्दी नहीं देखने को दिखती। इवन ये स्लो सिस्टम में भी इजिली चल जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है, तो काफी यार पीसी यूजर्स अभी भी यार LD प्लेयर यूज कर रहे हैं। इवन ब्लू स्टैक से भी एक लोग लेवल यार अप ही रखते हैं LD प्लेयर को, पर मेरे लिए एक डाउन है, पर बाकी आप बताना आप क्या क्या प्रेफरेंस रहेगी, LD प्लेयर यूज भी आपने कभी किया कि नहीं। बाकी हाँ सब जितने भी इम्यूलेटर बता रहा हूँ सबके आई बटन पे आप वीडियोस भी चेक कर सकते हो। LD प्लेयर का मुझे नहीं लगता यार ये लोग अभी क्लाउड गेमिंग में एंट्री लेंगे अभी 1-2 साल, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बेस भी है कि नहीं ब्लू स्टैक का जैसा यार पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेस मैनेज टीम टाइप है वैसा है भी नहीं LD प्लेयर का, ये सब चीज़ें पता है मेरे को इतने खास तरीके से नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी ओपनली इतना खुला के बताया भी नहीं है। और बस यार लास्ट ही बोलूंगा यार नॉक्स इम्यूलेटर, यस नॉक्स इम्यूलेटर हमेशा से
से यार ब्लूस्टेक का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर ही बोल सकते हो। अब यहाँ नॉक्स सिमुलेटर वालों ने अभी इस पर कुछ यार बड़ा स्टेप नहीं लिया, पर इतना मैं जानता हूँ कि नॉक्स वाले भी शांत नहीं रहेंगे। एंड्रॉयड सिमुलेटर जैसे ही यार अगर खत्म हो जाता है फ्यूचर में, सोच सकते हो तो ये लोग भी क्लाउड गेमिंग में एंट्री लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी समझ सकते हो कि नॉक्स सिमुलेटर वाले बहुत ही जल्दी, मेरे को लगता है अगले साल के कुछ स्टार्टिंग के ही मंथ में आपको नॉक्स सिमुलेटर के भी क्लाउड गेमिंग मिल सकती है। मैं वो कन्फर्म नहीं पता है, पर हाँ मुझे जितना लग रहा है शायद देंगे, क्योंकि देखो ब्लूस्टेक 5 का एक कॉम्पिटिटर जो है ना अभी बस नॉक्स ही आप मान सकते हो, तगड़े लेवल पे एकदम बिग स्टेज पे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके की चीज़ हो। तो हाँ बिल्कुल नॉक्स वाले यार कुछ करेंगे, अब अगले साल के वो स्टार्टिंग मंथ में हमें देखने को दिख जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ ये तीन इम्यूलेटर जो यार मैंने यूज़ कर रहे हैं हमेशा से प्रेफर करता है, अगर इनमें भी अटक रही है ना गेम तो आप समझ जाओ आपको एंड्रॉयड ओएस पे जाना चाहिए यार। उस पर भी हमने वीडियोज़ बना रखी, आई बटन पे देख सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट ईयर बात करेंगे जब नए इम्यूलेटर्स आ जाएंगे, कुछ अपडेट वपडेट आएगा तब। बाकी हाँ इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो बिल्कुल लाइक कर देना, सब्सक्राइब आज तो रॉकिंग रोड होके रहेगा, उसको दबा दो, छुपे हुए कोने में छुप जाओ और दबा के बस आजाद है, फिर तो यार उसको पता नहीं चलेगा। बाकी यहाँ शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।